किड्स कॉर्नर स्कूल में 54वां वार्षिक समारोह कार्यक्रम को लेकर की गई प्रेस वार्ता, जिसमें किड्स कॉर्नर स्कूल के प्रबंधक मयंक भटनागर द्वारा बताया गया कि 30 तारीख को वार्षिक समारोह का कार्यक्रम विद्यालय परिसर में होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न वर्गों से लगभग 750 बच्चे अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में SSP सचिंद्र पटेल एवं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंद्रेश कुमार उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में बाल श्रम, ग्लोबल वार्मिंग, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान आदि कार्यक्रमों द्वारा समाज में जागरूक होने का संदेश दिया जाएगा। साथ ही विद्यालय की स्थापना वर्ष 1966 से वर्तमान तक की विभिन्न विकास की गतिविधियों पर प्रकाश डाला जाएगा। देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता करण कुमार की रिपोर्ट। देखिए, इस पत्र के माध्यम से किड्स कॉर्नर विद्यालय परिवार आपको सूचित करने जा रहा है कि विद्यालय परिवार इस वर्ष अपना 54वां वार्षिक समारोह संपन्न करने जा रहा है, जिसमें समूचे विद्यालय के विभिन्न वर्गों द्वारा लगभग 900 बच्चों के द्वारा अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री सचिंद्र पटेल SSP फिरोजाबाद एवं माननीय श्री इंद्रेश कुमार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फर्स्ट उपस्थित होंगे। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना व स्वागत गान के साथ मुख्य अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात सामाजिक समस्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण प्रदूषण, प्लास्टिक का वातावरण पर हानिकारक प्रभाव, बाल श्रम, ग्लोबल वार्मिंग, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान आदि कार्यक्रमों को नाटक तथा नृत्य प्रस्तुत कर वर्तमान समाज को जागरूक होने का संदेश दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि किड्स कॉर्नर के फंक्शन का शहर में और डिस्ट्रिक्ट में एक अलग लेवल है। मैं ये नहीं कहूँगा, सभी स्कूल बहुत मेहनत करते हैं और मैं सभी स्कूलों की तारीफ करना चाहूँगा, लेकिन श्रीमती सुखरानी भटनागर, जो स्वयं अपने आप में एक बहुत महान कलाकार थी, उनका ये हमेशा स्वप्न था कि वो कुछ अलग हट कर करें, और हमारे हर एनुअल फंक्शन, हर फंक्शन के अंदर वो चीज़ आपको दिखेगी कि किड्स कॉर्नर आपको कुछ अलग हट के संदेश, कुछ अलग हट के नृत्य, कुछ अलग हट के गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा, जिसको देख के मेरा दावा है कि आप लोग वाकई बहुत अचंभित हो जाएंगे और दांतों में उंगलियां डाल लेंगे अचंभे से, क्योंकि इतने छोटे छोटे ढाई ढाई साल के बच्चे जब आपको परफॉर्मेंस प्रोफेशनल की तरह करते हुए स्टेज पर दिखेंगे तो आप लोग वाकई आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या ये आप ही के वही बच्चे हैं जो घर में इतनी जिद करते हैं और यहाँ पे एक बिल्कुल प्रोफेशनल कलाकारों की तरह अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप सभी आइए, समय का ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों। क्या कर रही हो अंजलि, इतने में थैंक यू बोल रही हो? अभी इनको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तब जाकर हम बोलेंगे इनको थैंक यू।